बृहस्पति के अनुच्छेदों को ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। अपनी ट्रिक है पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, बार बार बोलेंगे तो अपने आप याद हो जाएगी, पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, पकानी कोका दियो दशम, पकानी पर से याद रखेंगे पद, राष्ट्रपति का पद। हमारे देश के संविधान में अनुच्छेद 52 में लिखा है कि राष्ट्रपति भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53 में क्या लिखा है, का से याद रखेंगे कार्यपालिका का प्रधान, राष्ट्रपति समस्त कार्यपालिका का प्रधान होता है, राष्ट्रपति के नाम से समस्त कार्यपालिका की कार्यवाही होती है। राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, राष्ट्रपति संवैधानिक प्रधान माना जाता है। अनुच्छेद 53 में लिखा है कार्यपालिका का पद। उसी प्रकार नीचे याद रखेंगे निर्वाचन, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति के निर्वाचन में अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचन मंडल के द्वारा होगा, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली व पांडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। और अनुच्छेद 55 में लिखा है कोटा मतलब रीति, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति है एकल मत संक्रमणीय प्रणाली के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु इसके पहले भी यदि संविधान का उल्लंघन करता है तो राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है, महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा पद से हटाया जा सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया अनुच्छेद 61 में लिखा हुआ है, जबकि अनुच्छेद राष्ट्रपति पर महाभियोग के द्वारा पद से हटाया जा सकता है अनुच्छेद 56 में लिखा हुआ है। वहीं दूसरे याद रखेंगे दोबारा राष्ट्रपति को अनुच्छेद 57 के अंतर्गत राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है। अनुच्छेद यो से याद रखें योग्यता, राष्ट्रपति का योग्यता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद पर कार्य न करता हो और वह का लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 58 में योग्यताएं लिखी हुई हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 59 में उनकी दशाएं लिखी हुई हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ के बारे में लिखा है, राष्ट्रपति की शपथ, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। अनुच्छेद मां से याद रखें महाभियोग की प्रक्रिया, अनुच्छेद 61 में लिखी हुई है राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया लगाने के लिए सबसे पहले राष्ट्रपति को संविधान का उल्लंघन या अतिक्रमण के आधार पर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। संसद के 1/4 सदस्य, संसद के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया महाभियोग लगा सकता है। राष्ट्रपति को दोनों सदनों में, संसद के दोनों सदनों में जब राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग की प्रक्रिया लगाई गई है, उनका विशेष बहुमत से अगर वह प्रस्ताव पास हो जाता है तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना देकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो आपको दोस्तों कैसी ट्रिक लगी, आपको एक छोटी सा शब्द याद रखना है पकानी दियो दशम, पकानी दियो दशम, पकानी मतलब से पद राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 52 में कास्य कार्यपालिका का प्रधान, कार्यपालिका का प्रधान होता है, अनुच्छेद 53 में निर्वाचन, तो निर्वाचन 54 में लिखा है कोठा रीति मतलब सेकंड संक्रमणीय प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कार्यकाल 5 वर्ष का, अनुच्छेद 56 के अंतर्गत लिखा है दियो राष्ट्रपति, एक राष्ट्रपति कितनी भी बार राष्ट्रपति पद पर रह सकता है वो भारत का नागरिक होना चाहिए, पागल दिवालिया नहीं होना चाहिए, किसी लाभकारी पद को धारण न करता हो और वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। अनुच्छेद 59 में दशाएं लिखी है, अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जा सकती है, महाभियोग अनुच्छेद संविधान का उल्लंघन करने या सार्वजनिक दुराचार के आधार पर अनुच्छेद संसद के दोनों सदनों में महाभियोग लाया जा सकता है और 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को साबित हो जाने के बाद 14 दिन पूर्व सूचना देकर उन्हें पद से हटाया जा सकता है।